नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ राज्य के डिप्टी CM अजीत पवार और मंत्री अशोक चौहान भी मौजूद थे। इस बैठक में कई संवेदनशील मुद्दों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से बातचीत की है। हम आपको बता दें कि इस पूरी बैठक में सबसे जो मेन मुद्दा बताया जा रहा है वो मराठा आरक्षण को लेकर के उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से बात की, मतलब प्रधानमंत्री से बात की है, और प्रधानमंत्री से ये गुजारिश की है कि केंद्र सरकार मराठा आरक्षण पर राज्य का साथ दे, क्योंकि मराठा आरक्षण की जो मामला है वो बेहद ही गंभीर मामला है। इसके साथ ही मेट्रो सेड GST के कलेक्शन, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन देखने को मिला था, लगातार लॉकडाउन की अवधि महाराष्ट्र में भी बढ़ाई जा रही थी, ऐसे में राज्य की आर्थिक किल्लत को दूर करने के लिए GST के मुआवजे को लेकर के भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। बातचीत के बाद उद्धव ठाकरे ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताया कि प्रधानमंत्री ने हमारे हर मुद्दे को ध्यान से सुना है, गंभीरता से विचार करने की बात भी कही है। कहीं ना कहीं ये जो एक बैठक थी इसको लेकर के उद्धव सरकार जो है सकारात्मक सोच रख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमारी सारी बातों को सुना है और इस पर विचार करने की भी बात कही है। हम आपको बता दें कि PM मोदी के साथ मराठा आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, मेट्रो सेट, GST कलेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, साइक्लोन और अन्य मसलों पर विस्तार से बातचीत की गई है, क्योंकि जिस तरीके से ताउते तूफान के चलते महाराष्ट्र में काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए भी केंद्र सरकार से लगातार महाराष्ट्र सरकार जो है अपील कर रही है, बातचीत चल रही है, उसको लेकर के आज खुद प्रधानमंत्री उस नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री के सामने उद्धव ठाकरे ने सारी बातों को रखा है। इसके साथ ही मराठी भाषा को केंद्र की ओर से स्टेटस दिए जाने की भी मांग की गई है। तमाम विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री को एक लिखित पत्र भी उद्धव ठाकरे की तरफ से सौंपा गया है। तो ये जो मुलाकात हुई है बेहद अहम बैठक थी। हम आपको बता दें, इससे पहले उद्धव ठाकरे की मुलाकात पिछले साल फरवरी में हुई थी, जिस दौरान उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे। ये दूसरा मौका है जब लगभग एक साल से ज़्यादा समय के अंतराल के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से मुलाकात किए हैं। हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा गया था, जिसके बाद आज का समय मिला था। इसको लेकर के आज उद्धव ठाकरे यहां पहुंचे हुए थे दिल्ली में मुलाकात की है, कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई है। इसके बाद हम आपको बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें ये कहा गया है कि मराठा आरक्षण का जो मसला है वो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है बल्कि देश भर का है। वहीं GST को लेकर भी कहा गया है कि हमारा 24,000 करोड़ रुपए का हिस्सा अभी मिलना बाकी है, ये हमको जल्दी चाहिए, क्योंकि राज्य में जिस तरीके से कोरोना संकट के चलते एक आर्थिक किल्लत आई है, इसके लेकर के जो GST के मुआवजे हैं इसके लिए भी बोला गया है। बाकायदे लिखित में पत्र भी जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को आज सौंपा गया है। तो हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना के कारण सबसे अधिक प्रभावित रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले आए। अगर मुंबई की बात करें तो अकेले मुंबई की जो स्थिति थी वो देखने लायक नहीं थी, क्योंकि लगातार मुंबई में कोरोना विस्फोट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात हुई है इसमें कई अहम विषयों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बात की है। प्रधानमंत्री से बात करने के बाद एक पॉजिटिव मैसेज भी बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने सारी बातों को गंभीरता से सुना है। हम आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी उद्धव ठाकरे की एक तारीफ की थी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के दूसरी लहर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से कोरोना को लेकर के एक अहम कदम उठाए जा रहे थे, राज्य में लॉकडाउन या जो पाबंदियाँ लगाई जा रही थी उसकी भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी। तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात महाराष्ट्र के लिए बहुत अहम थी, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मराठा आरक्षण को लेकर के जो एक निवेदन किया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री से, हो सकता है इस मुलाकात के बाद केंद्र सरकार इस विषय पर महाराष्ट्र का साथ दें।